सिर्फ आज मैं आपको एक पैराग्राफ दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे। ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ देम, सर्वाइव मतलब जीवन, हम जी पाते हैं इन पेड़ों की वजह से ही। दे ऑल्सो गिव अस मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ये हमें और भी काफ़ी चीज़ें देते हैं जो हमें दिन रोज़मर्रा के जीवन के लिए चाहिए होती हैं। दीज थिंग्स इंक्लूड कॉटन, अब इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कॉटन फॉर क्लॉथ्स, ये हमें कॉटन देते हैं, रुई देते हैं, कपास देते हैं हमारे, जिससे कपड़े बनते हैं। वुड फॉर फर्नीचर, लकड़ी देते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है जिससे हमारा फर्नीचर बनता है। इवन पेपर एंड पेंसिल, और हमारे पेपर और पेंसिल जिससे हम लिखते पढ़ते हैं वो भी सब वुड से ही बनता है। दे गिव शेड टू पीपल, ये लोगों को छाया भी देते हैं। दे शेल्टर पुअर पीपल फॉर हीट एंड रेन, ये गर्मी और बारिश से गरीब लोगों को अपनी छाया में, उन्हें शांत अपनी छाया में गर्मी और बारिश से राहत भी देते हैं। समटाइम दे डू स्पेंड देयर नाइट अंडर ट्रीज, कई बार तो गरीब लोगों को अपनी रात भी इन पेड़ों के नीचे ही गुजारनी पड़ती है। वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज, इसलिए हमें पेड़ों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। द वे ट्रीज केयर फॉर अस, जिस तरह से पेड़ हमारी रक्षा करते हैं हमें भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, हमें जब तक पेड़ों को काटना नहीं चाहिए जब तक हमें कोई काटने की आवश्यकता ना हो। इफ़ वी कट वन ट्री, अगर हम एक भी पेड़ काटते हैं, वी शुड प्लांट 10 सैपलिंग्स इन इट्स प्लेस, सैपलिंग्स मतलब छोटे पेड़, तो हमें उसकी जगह पर 10 नए छोटे पौधों को लगाना चाहिए। रिमेंबर, याद रहे, इफ़ वी फेल टू डू दिस, अगर हम ये करने में फेल हो गए, नहीं कर पाए, वन डे देयर विल बी नो ट्रीज लेफ्ट, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी पेड़ नहीं बचेगा। एंड आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ विल बी डिफ़िकल्ट, और इस धरती पर हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा।